रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपके दुआ से। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ रमजान की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, खजूर और केले का मिल्क शेक। बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा केले लिए मैंने चार, और मैंने कुछ 20 मैंने खजूरें ली थी, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, और 2 खाने के चम्मच मैंने चीनी ली है और बर्फ़ ली है। बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और खजूरों के मिल्क शेक का आपको पता ही है कितने फ़ायदे होते हैं, बच्चों को आप बना के दें, अपने बड़ों को बना के दें। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केले छील लेंगे इस तरीके से। केले मैंने डाल दिए, अभी मैं 2 केले डालूंगी और कुछ खजूरें, 2 दफ़ा हम बनाएंगे इस तरीके से। कुछ मैंने बचा ली है और साथ ही मैं इसके अंदर अब दूध डालूंगी। ये मैंने 2 खाने के चम्मच चीनी ली थी, ये भी डाल दूंगी। मैंने सब चीज़ डाल दी, अब मैं मशीन चलाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डालूंगी बर्फ। जितनी आप पसंद करते हैं आप उतनी डाल लें। बर्फ मैंने डाल ली जितनी मुझे ज़रूरत थी। मिनट हो गया है हमारे जूसर का चलते हुए, जूस हमारा बन गया माशाल्लाह। देखें हम ग्लासों में निकालते हैं जूस को अपने शेक को। ये देखें मिल्क शेक मेरा बन चुका है और मैंने ये ग्लास ले लिए थे, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ मिल्क शेक। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा खजूर और केले का मिल्क शेक बन के रेडी है। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का बना है, ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। आप इसे बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें। बच्चे स्कूल से आते हैं आप जब बना के दें, और इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं मिल्क शेक के, खजूर के मिल्क शेक के। अगर आज की मेरी यूनिक से आपको छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर लाजमी बताना। इसी वीडियो के साथ लेती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।